तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महाउत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया, जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं। और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। रुझान तो यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महाउत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-232 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रा बाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजोरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हमने बात की है, 2 से सवा 2 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में लगातार आपको सुनने देखने को मिल रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, और ये बात सही भी है या नहीं है, इसके बारे में देखने के लिए आपको जोश बिहार चैनल के साथ विस्तृत रूप से बने रहना होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार आप लोगों को जोश बिहार चैनल ने लगातार न्यूज सुनाते रही है, और लोकसभा चुनाव 2022 की जो पार्टियां हैं किस तरह से छल कपट बीजेपी के साथ कर रही हैं, ये सारे चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार रहे तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार आए या इंडी गठबंधन का सरकार आए, तो आपको भी इस चीज को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सुनेंगे नेहा सिंह राठौर या किसी और का गाने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह के चर्चाएं होते रही है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।